नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपनी किचन में विभिन्न प्रकार के रायते बना रहे हैं, तो देखते हैं हम कौन कौन से रायते बना रहे हैं। हम आज अपनी किचन में घिया का, पाइनएप्पल का, कद्दू का, बथवे का और वेजिटेबल्स का रायता बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इन रायते को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। हमने रायता बनाने के लिए दही लिया है। दही को हमने प्लास्टिक की चलनी में छान लिया है, आप चाहें तो मिक्सर में भी फेंट सकते हैं। घिया लिए, उसको कस के और उबाल लिया है। पाइनएप्पल, या तो आप टिन पाइनएप्पल लें, अगर आप फ्रेश पाइनएप्पल लेते हैं तो इसको थोड़ी देर शुगर सिरप में बॉईल कर लें। कद्दू लिया है, जिसको हमने बॉईल कर लिया है, अब इसको मैश कर लेंगे जब हम रायता बनाएंगे। इसी तरह से बथुआ लिया है, इसको भी हमने कुकर में एक विशेल आने तक बॉईल कर लिया है। वेजिटेबल रायते के लिए खीरा लिया है, जिसके हमने सीड्स निकाल दिए, बिल्कुल बारीक काट लिया है। इसी तरह से प्याज को बिल्कुल बारीक काट दिया है। टमाटर, इसके भी सीड्स हमने निकाल दिए हैं, बिल्कुल बारीक काट लिया है। और हाफ हरी मिर्च ली है, जिसको बिल्कुल बारीक काटी है, ये ऑप्शनल है। वेजिटेबल रायते के अंदर आप फ्रेश हरा धनिया भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। रायते में डालने के लिए हमने भुना हुआ जीरा लिया है, काला नमक लिया है, पुदीना जो कि सूखा है पिसा हुआ है, राई पिसी हुई शक्कर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, एक कोयला जो कि अभी हम इस्तेमाल करेंगे, तब आप देखना हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, और एक कच्ची हरी मिर्च, इसको भी अभी हम इस्तेमाल करेंगे तब आप देखिएगा हम कहाँ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हम बथुए का रायता बना रहे हैं। बथुए का रायता बनाने के लिए जो बथुआ हमने बॉईल किया था, इसको हल्का सा चकले पर हम पीस लेंगे। आप चाहें तो ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये इसी में अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसी पे पीसूंगी। अगर सिलबट्टा है तो आप सिलबट्टे पे भी कर सकते हैं आपके घर में। बथुए को अब हम दही में डाल देते हैं। अब रायते के अंदर हम राई डालेंगे। एक टीस्पून राई डाली मैंने, काला नमक, भुना जीरा और लाल मिर्च। इसमें हम सादा नमक नहीं डालेंगे, सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बथुए के रायते में हम राई डालते हैं तो इसको आधा घंटा पहले बना के रखें तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा, इसलिए जब भी आप बथुए का रायता बनाएं या हम किसी भी रायते में राई डालते हैं तो उसको आधा घंटा पहले बना कर रखें। अब हम घिया का रायता बनाएंगे। जो हमने कोयला बताया था उसको हमने इस पे गैस पर गर्म कर लिया है। अब इसकी हम घिया के अंदर धुआं करेंगे, फिर इसका रायता बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम धुआं करते हैं। कोयले के ऊपर हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, जिससे इसमें एकदम धुआं हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें धुआं होने लगी है। अब इसको हम बंद कर देंगे 5 मिनट के लिए। घिया में हमने कोयला रखा है, उतनी देर इसको हरी मिर्च को हम सेक लेते हैं। पाँच मिनट हो गए हैं, प्लेट हटाते हैं। घिया के अंदर इसकी धुआं की स्मेल हो गई है, इसको हम निकाल लेते हैं कोयले को बाहर। अब घिया के अंदर पिसी हुई राई, काला नमक, भुना जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च और पुदीना, सबको मिक्स करेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब इसमें हम दही मिला देंगे। रायता गाढ़ा और पतला आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं।
अब हम कद्दू का रायता बनाएंगे। कद्दू का रायता बनाने के लिए पहले इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अब इसमें पुदीना, लाल मिर्च, राई, भुना जीरा और काला नमक, और जो हमने हरी मिर्च सेक कर रखी है उसको इसमें बारीक काट देंगे। आप चाहें तो इसको, हमने घिया का रायता बनाया उसमें भी काट के डाल सकते हैं। इससे रायता काफ़ी टेस्टी बनता है। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें अब हम दही मिला देंगे। तो अब हमारा एक कद्दू का रायता तैयार हो गया है। अब हम वेजिटेबल रायता बनाएंगे। इसमें सभी बाउल के अंदर सभी सब्जियों को डाल लेंगे। अब इसमें हम पुदीना डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, आप अगर पसंद करते हैं तो इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं, भुना जीरा, काला नमक, इसमें हम राई नहीं डालेंगे, और दही डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रायता पुलाव वगैरह के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम पाइनएप्पल का रायता बनाएंगे। पाइनएप्पल का रायता बनाने के लिए बाउल में पाइनएप्पल डालते हैं। नमक और शक्कर, और इसमें हम दही डालेंगे। आप पाइनएप्पल के साथ इसमें अनार के दाने भी डाल सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पाइनएप्पल का रायता भी तैयार है। हमने सभी रायते बना लिए। सबसे पहले हमने बथुए का रायता रखा है, उसके बाद में हमने कद्दू का, फिर पाइनएप्पल का, उसके बाद में वेजिटेबल्स का है, और लास्ट में घिया का रायता रखा है हमने। अगर खाने की थाली में दाल सब्जी के साथ रायता और अचार होता है तो खाने का स्वाद कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आज हमने अपनी वीडियो में विभिन्न तरह के रायते बनाए हैं। अगर आपको हमारे रायता बनाने की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और एक नए स्वाद के साथ। धन्यवाद।